कुछ तो फायदा हो। चलो आज ना अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे, एक नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। कोई बता सकता है फाइलम का नाम? एनीवन? काइनोडर्मेटा। वेरी गुड। इकाइनोडर्मेटा के बारे में किसी को कुछ पता है कि क्या होता है? मैम ने ये स्क्रीन पे क्या बना रखा है, क्या दिख रही है आपको? एनीवन? किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा कि ये क्या है क्या नहीं है? क्या चीज आपको ये नजर आ रही है, ऐसा क्या लग रहा है ये आपको? स्टारफिश जैसे मेरी स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? हाँ कि ना? तो यस बेटा ये यहाँ पे ना जैसे मैम। स्टारफिश जैसा ही कुछ है, और यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े से देखो अपेंडिजेस सीलिया लाइक नजर आ रहे हैं। तो अपन ना इसके बारे में ही कुछ पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड रुको, मेरे को क्लास ज्वाइन करना। गिव मी अ सेकेंड। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। दैट इज इकाइनो डर्मेटा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है क्लियर अच्छी तरीके से सबको? तो देखो इकाइनो डर्मेटा ये कैसे अच्छा ऑर्गेनिज्म होता है, ये ना इनके ऊपर जो स्किन होती है उसके ऊपर स्पाइंस लगे होते हैं। क्या होता है स्पाइंस की मतलब कुछ कांटे जैसी चीज इनके ऊपर से निकल रही होती है। ठीक है बच्चा पार्टी? स्पाइनी स्किन एनिमल्स। अब ना आपको यहाँ पे ना इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकाइनोडर्मेटा, ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये मैंने इनका बनाया है वॉटर कैनाल सिस्टम। क्या बनाया है? वॉटर कैनाल सिस्टम। ये जब अभी आपके आएगा ना, मैं तब आपको ये पढ़ाऊंगी, ये ऑर्गेनिज्म भी पढ़ाऊंगी मैं आपको। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, कि क्या होते हैं, क्या क्या चीजें पॉसिबल है। जैसे हम हमेशा सबसे पहले देखते हैं कि यार इनका हैबिटाट क्या होगा, तो यार मोस्टली तो ये क्या होते हैं, मरीनी होते हैं, समझे? यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन आता है जो आपको याद रखना है, जो मरीन नहीं होता है वो क्या होगा? साइनेप्टा सिमिलिस। ठीक है, साइनेप्टा सिमिलिस ये मरीन नहीं होता है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मरीन हो जाते हैं। अब देखो ये क्या होता है, मरीन है तो कुछ ऊपर भी तैर रहे हैं, जैसे ये सी है तो कुछ सी के ऊपर भी रहते हैं, कुछ नीचे भी रहते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं आधे तो बेंथिक होते हैं, आधे फ्लोट करते हैं। तो इसमें सब तरह के ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, नीचे भी मिल जाते हैं और ऊपर भी मिल जाते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है इसके अंदर। ठीक हैबिटेट क्लियर है। फिर इसके अंदर मैं आपको आऊं, हाँ जैसे फ्लोट कर रहे हैं उसको अपन एक टर्म देते हैं पेलेजिक, याद है मैं आपको बताती आई हूँ कंटिन्यूअसली? तो जो फ्लोट कर रहे हैं इसमें पेलेजिक भी मिल जाएंगे और इसमें कौन मिल जाएंगे, बेंथिक भी मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? फिर हमारा आता है क्या, बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म कैसा है इनका, यार कि इनका बॉडी का शेप कैसा है? मोस्टली हम देखें तो इसके अंदर स्टार शेप्ड मिलते हैं। अभी मैंने आपको पीछे एक ऑर्गेनिज्म दिखाया था, देखो यहीं पे ये आपको दिख रहा है स्टारफिश जैसा एस्टेरिया, तो ये इस तरीके के कुछ दिखते हैं, कैसे स्टार शेप दिखते हैं। और सिर्फ स्टार शेप नहीं, बहुत सारे होते हैं, स्पेरिकल भी होते हैं। ठीक है, सिलैंडरिकल तो इनके मेजरली जो मैं बात करूं वो स्टार शेप होते हैं। इज दैट क्लियर? इनका जो बॉडी होता है वो होता है अनसेगमेंटेड, सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, और साथ ही साथ इनके पास सर भी नहीं होता, हेड इज एब्सेंट। ठीक है, अब मैं आती हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, कि लेवल कैसा होगा। मैम बहुत ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गन सिस्टम होगा सब में, अब तो ऑर्गन सिस्टम ही चलेगा, अब हम बेसिक पे थोड़ी जाएंगे। फिर आता है हमारा कि यार इसके अंदर सिमेट्री कैसी होगी, कैसी होगी सिमेट्री? जैसे देखो मैंने आपको बताया इनका मेजरली स्ट्रक्चर कैसा है, स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड है ऐसा करके, तो सिमेट्री से हमें देख के पता स्टार शेप्ड है, पेंटागॉन शेप्ड है। तो इनकी जो सिमेट्री है वो होती है बाय लेटरल। क्या होती है? बाय लेटरल
इन लार्वा। एक्चुअली इनके अंदर क्या होता है ना, इनकी जो लार्वा फॉर्म होते हैं, हर किसी का लार्वा अलग शेप का होता है और अडल्ट फॉर्म अलग शेप के होते हैं। तो इनका जो लार्वा होता है वो शो करता है बाइलेटरल, और इनका जो बड़ा वाला फॉर्म होता है, जो अडल्ट फॉर्म होता है, जो कि ऐसा होता है पेंटामेरस, तो वो शो करता है पेंटामेरस रेडियल। चलिए इज दैट क्लियर? कि मतलब पांच उसमें ऐसे आप पेंटामेरस ऐसे करके आप उसको डिवाइड करोगे तब ये इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? यस ठीक है, मैम अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे लिखा है क्वेश्चन। क्या बेटा? पेंटामेरस के बाद क्या लिखा है? पेंटामेरस रेडियल। ओके मैम ठीक है, रेडियल मतलब इसको इस प्लेन से काटा, इस प्लेन से काटा, इस प्लेन से काटा, हो गया ना अपने रेडियल। यस ठीक है, अब फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि होता है जर्म लेयर। क्या होता है जर्म लेयर? कि जर्म लेयर कैसी होगी? ये होते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक। मैम नेक्स्ट आता है हमारा जो कि है बॉडी वॉल। क्या है बॉडी वॉल? ठीक है, अभी तो आप देखो ये चैप्टर कितना सा आधा ही हुआ है, अभी तो आधा बाकी है, कब से चले जा रहा है। रोज अपन क्या कर पाते हैं, एक ही फाइलम कंप्लीट करवाते हैं, और एक ही फाइलम इतना ओवरडोज हो जाता है ना अपना कि पूछो ही मत। बॉडी वॉल क्या है? देखो यहाँ का इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वॉल है ना, वो काफी सारी लेयर से मिलके बनी है। तो सबसे पहली लेयर जो होती है, सबसे बाहर वाली, वो होती है एपिडर्मिस, जो सबसे मैम एक्सटर्नल लेयर है, और ये होती है सीलिएटेड। क्या? इस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि आपने देखा, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे सीलिया प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया ना, दिस इज सीलिएटेड। ठीक है, सेकंड, एपिडर्मिस के जो नीचे लेयर प्रेजेंट होती है, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, जो बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं डर्मिस। ठीक है, ये थोड़ी सी थिक होती है, और ये वाली जो होती है ये थोड़ी सी थिन होती है। बाहर की चमड़ी तो थिन ही होगी, अंदर वाली थोड़ी ज्यादा मोटी होती है। इज दैट क्लियर? और ये जो डर्मिस है ना, इसके अंदर कैल्केरियस प्लेट्स प्रेजेंट होती है। क्या? कैल्केरियस प्लेट्स, जिसको हम बोलते हैं ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं? ऑसिकल्स, ये प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? मैम कैलकेरियस प्लेट्स किस टाइप से होती है? मैम कैलकेरियस, CALCARIOUS। ठीक है, कैलकेरियस तो समझ आ गया, पर कैलकेरियस किस टाइप से होता है? कैल्शियम का बना हुआ बेटा, कैल्शियम का बना हुआ। ठीक है, ठीक है मैम चलो आगे बढ़ते हैं। फिर डर्मिस के नीचे ऑब्वियस अब हमारे क्या आ जाएगी? मसल। अब ये भैया मजबूत बन जाएंगे, इसके अंदर आ जाएगी मसल, जो कि एकदम सॉफ्ट होती है, एकदम स्मूथ और सॉफ्ट होती है। अब मसल्स के अंदर अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे बात किया था किसका? डर्मिस का। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, डर्मिस के अंदर यहाँ पे कैलकेरियस प्लेट मैंने बात करी, कुछ स्पाइन्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्पाइन्स जैसे कांटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं पेडिसिलेरी। क्या बोलते हैं? पेडिसिलेरी। यार इनका रोल क्या है? ये क्या करते हैं? कांटे जैसे स्ट्रक्चर इनके ऊपर प्रेजेंट होके, ये कांटे जैसे, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ये कांटे जैसे ऑर्गेन चीज है, पेडिसिलेरी प्रेजेंट है। तो ये कर क्या रहे हैं बेटा? ये काम कर रहे हैं हमारे प्रोटेक्शन का, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ये। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, इनके ऊपर कोई गंदगी लगनी है, ये दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई डेब्रीज, कोई गंदगी अगर आके लगने वाली है, तो वो इस गंदगी को इसके अंदर फंसने भी नहीं देते, तो मतलब थोड़ा हटा देते हैं, और कोई ऑर्गेनिज्म आने वाला है उससे भी इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? मैम। तो तीन चीजें हैं बॉडी वॉल में, एक एपिडर्मिस, डर्मिस और मसल, दैट्स इट। इसके अंदर इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट बॉडी कैविटी। मैं ना सच्ची बता रही हूँ बच्चों, टाइम पे ज्वाइन किया करो आप लोग। बॉडी कैविटी फिर कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि फिर पूरा ऊपर से एक बार में उड़ जाता है।
तो हमारा स्टार्ट हो रहा है बॉडी कैविटी। अब इनका जो बॉडी कैविटी है, कैसा कैविटी प्रेजेंट होगी, तो ये होते हैं एकदम क्या, ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट, अच्छी खासी कैविटी इनके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? अब ना इनके अंदर से जो कैविटी है, सिलोम है, वो क्या होती है, अलग अलग पार्ट में ना थोड़ा सा डिवाइड होती है, और अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है कैविटी, और इनके अंदर तीन सिस्टम बना देती है। क्या? जो कैविटी है, लेट से ये कैविटी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है और तीन अलग सिस्टम बनाती है, तो वो तीन अलग सिस्टम का जो नाम है वो क्या है? पहले सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम। क्या? वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम, जिसका मैंने डायग्राम फर्स्ट पेज पे बनाया है। और अगर वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम की मैं बात करूं, तो इसका एक और नाम होता है अम्बुलेक्रल सिस्टम। ठीक है। सेकंड सिस्टम जो होता है वो होता है हीमल सिस्टम, हीमल जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है। तीसरा जिसकी मैं बात करूं, पेरी हीमल सिस्टम, ब्लड और ही ब्लड और वाटर दोनों आ जाएगा सिस्टम। तो अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है। ये कैसा दिखता है देखो, ये आपको जो मैम मैंने एक बार स्ट्रक्चर, छाड़ मार लेके स्पेलिंग बताना पेरिहीमल। बेटा आप लिखते जा रहे हो क्या साथ में? इस मैम। बेटा फिर आपको समझ कैसे आएगा? ये स्क्रीनशॉट तभी मैं आपको एंड में दिलाती हूँ ना, सो देट आप बाद में लिख लो, और अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पूरा अच्छे से समझ लो, नहीं तो क्या होता है लिखते में ना पूरा फिर उड़ जाता है कि मैम ने क्या बताया था क्या नहीं। आपके पास मैं एंड में स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए टाइम देती हूँ आपको। और ना ये छोड़ो, आपके ना नोट्स भी मैंने वो यहाँ पे ना अपडेट कर दिए हैं, जिसके अंदर आपकी ये वाला जो पीपीटी है, ये वाला और इससे पहले वाले जो है ना अपने चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था, मैंने उसके ये वाले नोट्स वहां पे अपलोड कर दिए हैं, जो मेरे हैंड रिटन है ना वो भी, उसकी डीपीपी भी अपलोड कर दी है, हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर दिए, वीडियो लिंक भी अपलोड कर दिया, जितना भी मटेरियल है ना सब अपलोड कर दिया मैंने। ठीक है। तो आप यस बेफिक्र रहो, मैम। जो आप देख पा रहे हो जितना भी, और इवन मॉड्यूल भी, तो जितना भी आप देख पा रहे हो ना सब कुछ आपको है ना, जो भी आपके सामने सब आपको मिल जाएगा बना बनाया। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो तो हमारा वहां क्या पे था मुझे सबसे पहले, व्हाट्सएप पे वाटर लिंक है वेस्क्यूलर उसका लिंक है सिस्टम। क्या बेटा? मैम, जो व्हाट्सएप पर लिंक है वहां पे 3 पॉइंट्स पे, उस वाले पे अपलोड किया है, उस पे तो यूट्यूब वीडियोस हाँ, आती है उस पे फिर। हो गया है, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से वो शायद वो उसके अंदर व्हाट्सएप में जाके अपलोड आज कर देंगे या कल कर देंगे। ठीक है। तो वीडियो वाला तो आप लोगों के पास अवेलेबल है ही, और बाकी ये वाला जो मेरा कंटेंट है ये भी आपको आजकल में अपलोड हो कर देंगे वो लोग, है ना, मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है बच्चा बाटी। ओके मैम। तो ये है वॉटर कैनाल सिस्टम। अब आप ये जो वॉटर कैनाल सिस्टम देख पा रहे हो ना, ऐसा करके दिख पा रहा है आपको, ऐसा होता है। ये ना इनका एक बहुत स्पेशल फीचर होता है। क्या होता है स्पेशल फीचर होता है इसके अंदर, क्या होता है, ये जो आपको मेड्राफोराइट दिख रहा है ये, तो मेड्राफोराइट के थ्रू क्या होता है, इनके अंदर ना पानी एंटर करता है, पानी इसी के थ्रू एंटर करता है और बाहर निकलता है, जो भी करना है वो इसके थ्रू करता है। तो इनका जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो कुछ ऐसा होता है इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब फुट। क्या बोलते हैं? ट्यूब फुट। ये क्या हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और साथ साथ ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं कभी कभार। ठीक है। बस अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? क्या? ओके मैम। मैम ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता हाँ, लोकोमोशन, चलने में हेल्प करता है इनके। ठीक है। अब है। यस मैम। हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है दैट इज क्या होगा, रेस्पिरेटरी। यार इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कि मतलब ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, सबसे पहले इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, और उन गिल्स को क्या बोलते हैं हम, डर्मल ब्रैंके। क्या बोलते हैं? डर्मल ब्रैंके। इज दैट क्लियर? समझ पड़ी बात? अब ये गिल्स है किसमें प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियस जो पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, जैसे कि हमारे कौन हो गया, स्टार फिश। तो स्टार फिश के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डर्मल ब्रैंके। किसी और जैसे कोई ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, लेट्स से मैं बात करती हूँ
एक सेकेंड, पेरी ऑस, यहाँ पे एक और गिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरी स्टोमल गिल। ये वाले जो गिल है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं सी अर्चिन। क्या बोलते हैं? सी अर्चिन। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पेरी स्टोमल गिल। ठीक है, यस मैम। और मैंने आपको बताया ट्यूब फिट, ये ट्यूब फिट तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी हेल्प करता है लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, रेस्पायर भी करता है, ये सारे काम कर ले रहा है ये अकेला, ये किसी को अपना काम देना ही नहीं चाहता। नहीं, ठीक है, अब हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा होगा। सबसे बढ़िया बात इनका है कंप्लीट, बस एक ही एक्सेप्शन है इनका जिसके अंदर ये कंप्लीट नहीं होता है। एनीवन, किसी को पता है? ब्रिटल स्टार, पाइटल स्टार, ब्रिटल स्टार एक्सेप्शन है, ब्रिटल स्टार के अंदर होता है इनकम्प्लीट। फिर नेक्स्ट हमारे साथ होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा होता है ओपन टाइप, खुला हुआ है, पानी आराम, पानी क्या माय बैड, जो ब्लड है आराम से बह रहा है। जो वो सबसे पहली बात, इनके पास जो हार्ट है ना वो होता ही नहीं है, देयर इज नो हार्ट। जो सब कुछ चल रहा है वो बाहर कैविटीज में चलेगा, उसी के थ्रू चलेगा, सीधी सीधी बात है। और इसके अंदर क्या होता है? जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कौन सा कलर होता है, नो सॉरी, विदाउट पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कौन सा कलर होता है? कलरलेस। इनके पास हीम नहीं प्रेजेंट है, इनके पास कलर नहीं प्रेजेंट है, तो ये हो जाएंगे कलरलेस, इनका रेड कलर का ब्लड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब यस आते मैम, हैं हम किस पे, नेक्स्ट जो टॉपिक है अच्छा सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीशन जो है, बॉडी का वेस्ट जो है, सबसे बढ़िया ये रिलीज करते हैं, इनके अंदर जो गिल्स होते हैं वो रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ वो यहाँ पे एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है वो रिलीज हो रहा है अमोनिया। क्या हो रहा है? अमोनिया। ठीक है, फिर आता है हमारा यस नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम इनका सॉर्टेड है, एकदम प्रिमिटिव एंड सिंपल, नो फालतू बकवास, एकदम सॉर्टेड सिंपल इनका नर्वस सिस्टम है, ज्यादा कुछ नहीं है इनके अंदर, बस इतना याद रखो। ठीक है, और अगर मैं इनसे आपसे बात करूं क्या इनके पास ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो इनके पास ना जो ब्रेन है वो होता है एब्सेंट, दिमाग नहीं है इन लोगों के पास। इज दैट क्लियर? यस चलो, सेंस ऑर्गन की मैं बात करूं, दिमाग नहीं है तो यार सेंस ऑर्गन तो कहां से ही काम करेंगे, तो वो भी होते हैं पुअरली डेवलप। कैसे होते हैं? पुअरली डेवलप। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं, यानी क्या होता है ये? यूनिसेक्सुअल। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है इनका एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर होता है। अब ना इसके अंदर क्या होता है, देखो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा भी प्रेजेंट होगा, फिर अडल्ट फॉर्म भी प्रेजेंट होगा। जो लार्वा होगा उसके अंदर अलग सिमेट्री होती है, अडल्ट फॉर्म होता है उसके अंदर अलग सिमेट्री होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे यहाँ पे ना कुछ कुछ आपके नोट्स, आपका जो मॉड्यूल है उसके अंदर लार्वा के ना नाम भी दे रखे हैं। एक सेकेंड, फिजा अब एंटर कर रही है। तो कुछ कुछ ना लार्वा है जिनके नाम दे रखे हैं, जैसे स्टारफिश है, उसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना क्या है, इम्पोर्टेंट चीज है। आपको लगेगा नाम थोड़े देखने में डिफिकल्ट है, हम इसको छोड़ दें, नहीं छोड़ना नहीं है। ठीक है,
बाइपिनेरिया, क्या बोलते हैं बाइपिनेरिया, वैसे एक होता है फेदर स्टार, क्या होता है एक फेदर स्टार होता है, उसके अगर बोल दिया जाए कि उसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं तो डोलोलेरिया, क्या बोलते हैं डोलोलेरिया, ठीक है। तो आपको ऐसे करके कुछ कुछ दे रखे हैं, एक दो और दे रखे होंगे, एक सी अर्चिन है वो दे रखा होगा, तो आपको ये सारी चीजें क्या है याद करनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके मैम, मैम जो अपलोड होगी जो आप अपलोड करोगे उसमें दे रखे हैं ये लार्वा के नाम, उसमें भी दे रखे हैं, और मैंने आपको जैसे मॉड्यूल शेयर कर रखा है वैसे भी ग्रुप में है ना, yes, उसमें भी दे रखा है मॉड्यूल, मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, और जहाँ पे आपको सारे कस्टमाइज फॉर्म में मॉड्यूल वगैरह सब मिलेगा मैंने वहां पे भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। ओके, रीजनरेशन प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, रीजनरेशन बोले तो क्या होता है कि मतलब ये अगर इनका कोई भी पार्ट है वो टूट गया किसी भी एक्सीडेंट में निकल गया, तो इनके पास वो प्रॉपर्टी है कि वो उसको वापस क्या कर लेते हैं बेटा, रीजनरेट कर लेते हैं, इज दैट क्लियर, तो वो इनके अंदर होता है, पर कुछ ही में होता है कुछ के अंदर नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ मैं किसी से ये क्या कर रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते करते क्या हुआ इनका हाथ कट गया, तो हाथ में क्या होगा वापस इनका हाथ आ जाएगा थोड़ी देर में, और जिस प्रोसेस से आएगा ये जो फिनोमिना होगा जिससे डिफेंस में जो जाएगा ना इनका हाथ, उसको हम बोलेंगे ऑटोटॉमी, क्या बोलेंगे ऑटोटॉमी। क्या होता है ऑटोटॉमी, देखो व्हेन दे ब्रेक देयर आर्म्स फॉर डिफेंस पर्पस, known as autotomy, ठीक है, is that clear? वही एक अजीब और गरीब सा एक और टर्म आएगा एविसरेशन, एविसरेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है किसी को आइडिया, देखो क्या होता है मेरे को गुस्सा आ रहा है, कभी कभार नहीं होता कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो मैं वॉमिट कर दूंगी, ठीक है। और ये क्या करते हैं जब इनको कोई भी डर लग रहा होता है, ठीक है, या फिर ये डरे हुए हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो ये क्या करते हैं वॉमिट करते हैं, क्या करते हैं अपना जो सब्सटेंस है वो बाहर निकालते हैं। तो अब ये जो सब्सटेंस है वो क्या है जो ये बाहर निकाल रहे हैं, ये बाहर निकालते हैं इनके इंटरनल ऑर्गन्स, वॉमिट आउट ड्यूरिंग हैंग्री स्टेज और फ्राइटेंड स्टेज, जब ये डरे हुए होंगे या गुस्से में होंगे तब ये क्या करते हैं अपने जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर इंटरनल ऑर्गन या फिर बोल दो विसरा, क्या बोल दो विसरा, दैट अच्छा खासा मांस वाला ऑर्गन, तो वो क्या करते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, इज दैट क्लियर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एविसरेशन, क्या बोलते हैं एविसरेशन, इज दैट क्लियर। मैम एक बार ऑटोटॉमी बताना, ऑटोटॉमी देखो क्या हुआ अगर मेरा मैं किसी से लड़ाई कर रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ, तो लड़ाई करते वक्त मेरा हाथ कट गया, तो यार मेरा जो हाथ कट गया है फिर वो वापस भी तो आएगा है ना, यस मैम, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोटॉमी। यार मतलब देखो क्या होता है ना, जो जिस प्रोसेस से आएगा वो तो रीजनरेशन होगा, बट वो क्या करते हैं, क्या करते हैं कि देखो आप अगर मेरे को मारने आ रहे हो तो मैं क्या करूंगी, मैं ना क्या करूंगी थोड़ा सा बस अपना हाथ दे दूंगी और मैं बोलूंगी ले तो उसको काट दे, पर मैं पूरी की पूरी भाग जाऊंगी, तो मैं पूरी भाग जाऊंगी, पूरा एस्केप कर लूंगी खुद को डिफेंस के लिए, उसको मैं बोल दूंगी ऑटोटॉमी, पर मैं पूरा हाथ कट के जो वापस आ जाएगा वो हो जाएगा रीजनरेशन, ठीक है, क्योंकि उसे पता है अगर मेरा हाथ कट गया तो मेरा हाथ तो वापस आ जाएगा, पर बेटर है मैं जितना अपने आपको बचा सकता हूँ उतना तो बचा लूं, तो मैंने अपना हाथ छोड़ के खुद भागी डिफेंस के लिए, उसको मैं बोलूंगी ऑटोटॉमी, इज दैट क्लियर, यस मैम, यस। तो अब ना देखो मैंने आपको जैसे चीज बताई कि यार इनके ना इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज
जो आपको याद रखनी होगी ना, एक तो सबसे पहले ये कि यार इनके अंदर, एक तो सबके अंदर ना क्या होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना ठीक है। साथ में क्या प्रेजेंट होता है, पेडिसिलेरी, क्या प्रेजेंट होता है, पेडिसिलेरी, जो स्पाइन्स को ही हम बोलते हैं। अब जो दूसरी बात मैंने आपको बताया, इनके अंदर वॉटर केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वॉटर केनाल सिस्टम इनका अलग टाइप का है, सबके अंदर ऐसा नहीं होता है, ये इनका स्पेसिफिक फीचर है जो आपको याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ इनका जो लार्वा होता है उसके अंदर अलग सिमेट्री होती है, और इनका जो अडल्ट फॉर्म होता है उसके अंदर अलग सिमेट्री होती है ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया ये हर पानी में नहीं मिलते हैं, मरीन है, यानी कहाँ मिलेंगे, सी वाटर में। ठीक है, ये याद रखना, फ्रेश वाटर में ये नहीं मिलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक है, अब हम आते हैं। मैम तो आपने कैविटी के बारे में बताया था, वो जो थ्री टाइप ऑफ कैविटीज थी वो एक ही ऑर्गेनिज्म में तीनों होती हैं। हाँ, उनका एक ही, जो एक सेकेंड मैं खोल देती हूँ उसे। हाँ, इनका देखो जैसे सिलोम होता है ना, कैविटी होती है, तो कैविटी तीन के अंदर डिवाइड हो जाती है और तीन सिस्टम बनाती है, एक वाटर सिस्टम बनाती है, एक हीमल सिस्टम बनाती है और एक पेरी हीमल सिस्टम बनाती है। एक के अंदर पानी चल रहा है, एक के अंदर खून चल रहा है और एक के अंदर दोनों मिक्स चल रहा है ठीक है। यस क्लासिफिकेशन, हर किसी का सबसे वाहियात टॉपिक और सबसे बोरिंग टॉपिक जो कि होता है क्लासिफिकेशन, तो आपको उसकी क्लासेस क्या करनी है, याद करनी है। मुझे कोई बताएगा कौन कौन यहाँ पे क्लासेस याद कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है? जो कर रहा है वो बताओ मेरे को, नाम बोलो नाम। ये एक साथ इतने सारे बच्चे हैंड रेस किए ना, तो टक 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 टक। ठीक है ठीक है, श्रुति, रानवी, अंकुश, मैम करे तो है पर आगे पीछे हो जाती है दिमाग में। इसको आपको याद करते रहना पड़ेगा जब तक आपका नीट नहीं हो जाता, 11th में भी रिवाइज करना पड़ेगा, 12th में भी रिवाइज करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज है, आपने अभी करी फिर बाद में नहीं करी भूल जाओगे, वेस्ट हो जाएगा। तो इसको तो ना आप क्या करना, हर रोज ही बना लो, एनिमल किंगडम को तो हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है। इट्स लाइक फिजिक्स, जैसे फिजिक्स नहीं होती ना वैसे ही एनिमल किंगडम भी नहीं होता बच्चों से। अच्छा हाँ, आप लोगों का वो टेस्ट भी तो है संडे को। यस ध्यान से करना, एनिमल प्लांट किंगडम है, अच्छे से देना टेस्ट है ना मैम। ठीक है। तो इनका सबसे पहला जो क्लास है वो है एससीरोइडिया, क्या है, एससीरोइडिया। सेकंड क्लास जो है वो है ऑफ्लुरोइडिया, क्या है, ऑफ्लुरोइडिया ठीक है। थर्ड क्लास जो इनका है वो है इकाइनोइडिया, क्या है, इकाइनोइडिया। क्या करेंगे, ऐसे ही नाम है बच्चा पार्टी। चौथा जो नाम है वो है होलोथ्रोइडिया, होलोथ्रोइडिया ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो लास्ट वो है क्रिनोइडिया। मैम क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा क्या? नहीं, क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा आपके, एनसीईआरटी में तो यार फाइलम इतने इतने से दे रखे, बस इतना इतना सा दे रखा सबके बारे में और निपटा दिया है। ये अगर आपका, मैं एनसीईआरटी से कराती ना, तो एनसीईआरटी से कराने पे तो ये चैप्टर आपका कुछ 4 से 5 दिन का है, दैट्स इट। मैक्सिमम खींच लो 4-6 दिन का लेक्चर है, इससे ज्यादा का लेक्चर ही नहीं है। और अपने तो कम से कम आई थिंक 7 लेक्चर तो हो चुके हैं, है ना, 7 लेक्चर हो चुके हैं, आई थिंक 7 समथिंग और लग जाएंगे। सोचो अपन तो कितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं, अपन कुछ ऐसा है ही नहीं जो छोड़ रहे हो, अपन सब कुछ कर रहे हैं
और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में कर रहे हो. मैंने जैसे आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था, करने को तो इतना इस चैप्टर में मत पूछो, पर मैं इतना कराऊंगी, ना कम ना ज्यादा, कि जितना पूछा जा सकता है एकदम अप टू मार्क. इज दैट क्लियर? अब जैसे इसके मैं बात करूं कि इसके अंदर बॉडी फॉर्म क्या क्या हो सकता है, तो ये पूछे जाएंगे इसके अंदर कि यार इसका बॉडी फॉर्म एस्ट्रोइडिया का क्या होगा, तो ये स्टार लाइक होता है. फ्लैट. फ्लैट नहीं, ऐसे, ठीक है, हाँ मतलब फ्लैट होता है, स्टार लाइक होता है, स्टार ऐसा होता है, और ये भी कैसा होता है, स्टार लाइक होता है. ये डिस्क जैसा होता है, ऐसा गोल होता है, ठीक है, या फिर हम वो भी बोल सकते हैं ना, जैसे स्पेरिकल भी बोल सकते हैं. ये सिलेंड्रिकल होता है, इस टाइप का. तो ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है. इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रखा, इसका मुझे याद नहीं है, इसका हटाओ. ये आपके दे रखा होगा, नहीं, आई थिंक इसका स्ट्रक्चर क्रिनोइडिया का, आई डोंट थिंक इसका कुछ है, इसका नहीं है, ठीक है. हम तीसरा कौन सा होता है, किसका, तीसरे वाले का, थर्ड वाले का, डिस्क, ठीक है. अब अगर मैं बात करूं, मॉड्यूल में तो क्लासिफिकेशन दी होगी ना, क्या मॉड्यूल में तो क्लासिफिकेशन दी होगी, हाँ दिए दिए. अब अगर मैं स्पाइंस की बात करूं, जो स्पाइंस है वो इन किस किस में प्रेजेंट है, किस किस में प्रेजेंट नहीं है, मैंने आपको बताया था वो इनका बहुत स्पेसिफिक फीचर है, कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होता है. तो इसके अंदर स्पाइन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है, और इसके अंदर भी एब्सेंट होता है. इज दैट क्लियर? अगर मैं पेडिसिलेरीज की बात करूं, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर भी एब्सेंट होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है. यस मैम. करने पड़ेंगे. अब आप बताओ, जैसे मैं आपको ना यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट ऐसे करके लिख सकती थी, पर ये है ना कुछ चीजें कि आपको ना ऐसे करके ना ये चीजें याद नहीं रहती. तो एक साइकोलॉजी की अगर मैं आपको यहाँ पे प्लस करके लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं माइनस करके अगर आपको साइन दिखा रही हूँ, तो आप लोगों को ये चीज याद रह जाएगी, प्लस 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 करके माइनस माइनस का जो सीरीज था, ये पैटर्न था, ये तो भी आपको याद रह जाएगा. समझ पड़ रही है बात? ठीक है. अब अगर इनके इस एग्जांपल की बात करते हैं, स्टार लाइक है. देखो स्टार फिश, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, ये किसका डायग्राम है, स्टार फिश का. पर मैम आपने नाम तो ये लिख रखा है, बेटा ये साइंटिफिक नेम है इसका, इसको बोलते हैं एस्टेरियस. क्या बोलते हैं, एस्टेरियस. इज दैट क्लियर? यस मैम. तो यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लिख देती हूँ, जैसे इसका हो गया एस्टेरियस. स्टार फिश तो आपको पता ही है इसको कहते हैं. यहाँ पे आ जाता है ब्रिटल स्टार. क्या आ जाता है, ब्रिटल स्टार. तो यार एग्जाम्पल की तो कमी नहीं है, कितने भी करते जाओ. यहाँ पे आ जाता है सी अर्चिन. क्या आ जाता है, सी अर्चिन. फिर आ जाता है यहाँ पे सी कुकुम्बर. क्या आ जाता है, सी कुकुम्बर, ठीक है. फिर आ जाता है हमारा सी लिली. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, किसी ma'am. को कोई confusion इसके अंदर? No, ma'am. ठीक है. अब जैसे इसके अंदर मैं बताना चाहती हूँ आपको इकाइनोइडिया के बारे में, एक इनका पॉइंट है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर माउथ में ना इनके अंदर चबाने के लिए से अपने पास जबड़ा है, तो इनके पास भी जबड़ा प्रेजेंट होता है. उस जबड़े का क्या नाम है वो मैं आपको भी बताती हूँ. ठीक है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इकाइनोइडिया की. तो इसके अंदर क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है किस चीज के लिए, बाइटिंग के लिए. किस चीज के लिए, बाइटिंग के लिए. और अगर उसको हम नाम देंगे जबड़े को, तो उसको बोलते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न. क्या बोलते हैं,
एरिस, टोटल, लैंटर्न। ये इंपॉर्टेंट है मैम, अरिस्टोटल तो साइंटिस्ट का नाम दिया ना? हाँ, ना। एरिस्टोटल लेंटन नाम है। और क्या है, आपको इसको याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो जबड़ा होता है उसको हम बोलेंगे एरिस्टोटल लेंटन। और इनके अंदर जो जबड़ा है ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पांच दांत प्रेजेंट होते हैं, 5 टीथ। इज दैट क्लियर? किसी यस मैम। को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो मैम, अच्छे से समझ आ गया मैम फिगर तो मुझे दो, वो बस क्या? फिगर? फिगर कौन सा जो फिगर आपने बेटा? ड्रॉ किया है मैम, स्टारफिश। स्टारफिश समझाओ इसके अंदर, तो मैंने कुछ समझाया नहीं है। स्टारफिश बस यही है कि ऐसी दिखती है स्टारफिश, मैंने इसमें यही बताया था। ओके मैम, ठीक है, यस मैम, आपने कैनाल्स का नेम लिखा हुआ है ना इसमें, तो मैं लेट ज्वाइन किया था थोड़ा, 5 मिनट्स इसीलिए थे बोलते हैं। तो इसमें। बेटा नहीं, ऐसे लेट नहीं ज्वाइन किया करो, इसलिए मैं बोलती हूँ जो टाइम पे ज्वाइन करते हैं उनको फायदा हो जाता है। तो ये स्टारफिश नहीं है, ये इनका वाटर कैनाल सिस्टम है। क्या है इनका? ये वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इनका वाटर कैनाल सिस्टम कैसा दिखता है, तो वो इनका ऐसा दिखता है, जिसके अंदर एक मैड्रीपोराइट प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है और बाहर निकलता है। और ये इनके अंदर ट्यूब फुट प्रेजेंट है, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? ये 2 फुट 5 ही होते हैं। क्या? हाँ, पांच होते हैं ना, पेंटा पेंटा मैरस, पेंटा मैरस। इधर से बात करते हो रहे अपन, सिमेट्री भी बात की थी अपन ने, ठीक मैम, है। अगर इस अंदर आपको ना कुछ कुछ स्ट्रक्चर भी कोई कोई याद करने हो, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर एक तो इसलिए बनाए सो देट आप याद कर सको। एक होता है सी कुकुम्बर, जो ऐसा दिखता है, कुछ कुछ कैसा दिखता है, ऐसा सी कुकुम्बर दे रखे होंगे आपके एनसीईआरटी में, जो है ना, बस वो वाले याद कर लेना, उसके अलावा कोई याद मत करना, ठीक है? यस इज दैट क्लियर? मैम, यस मैम, अब यहाँ पे हमारा ना इकाइनोडर्मेटा, बस इतना था, इकाइनोडर्मेटा हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद जो है हमारा स्टार्ट होता है हेमिकॉर्डेटा। क्या स्टार्ट होता है? हेमिकॉर्डेटा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि हेमिकॉर्डेटा अभी शुरू करना है आपको या नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना नेक्स्ट में। है? छोटा है या बड़ा है? ये भी बड़ा ही है, मतलब जितना टाइम 1 घंटा इसमें लगता है उतना इसमें लगेगा बच्चा पार्टी। मैं है मैम ना ऐसे नेक्स्ट नहीं करूंगी, नहीं नहीं दे एक सेकेंड रुको दो। रुको, मैं ऐसे नहीं करूंगी। मैं एक्चुअली एक वो कर रही हूँ, पोल कर रही हूँ, है ना, पोल पे मेरे को बताना। कुछ कुछ बच्चे हैं जो शर्माते हैं, वो जो बताते नहीं है, तो मैं पोल कर रही हूँ। यस अभी करना है, एक में लिखूंगी अभी, एक में लिखूंगी बाद में, तो वो बता देना मेरे को, क्योंकि अपन रोज एक लेक्चर में एक ही फाइल हम करते हैं ना, तो आपको क्या आदत पड़ी है क्या आदत नहीं पड़ी, उस हिसाब से बस मैं जानना चाहती हूँ। लॉन्च हो चुका है। हाँ श्रुति, आप बोलो। सॉरी तीन ही वोट आए अभी तक? मैम, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा खराब हो गया था। अच्छा, हाँ पीयूष बोलो। हाँ पीयूष बोलो, मैं सुन पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, आप हैंड रेस कर रहे हो, बोलो बोलो। 7 वोट आए हैं। मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये है, हेमिकॉर्डेटा अभी शुरू करना है या नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करना है? गया, बाय मिस्टेक हो गया। 25 वोट्स, 10 जनों के वोट नहीं आए हैं। 10 जने फटाफट वोट करो जो बच गए।
फटाफट फटाफट बच्चों पार्टी, फटाफट फटाफट, इतने में नहीं तो टाइम ही खत्म हो रहा है। ओके ओके, और फटाफट फटाफट जल्दी करो, फिर मैं शो करती हूँ रिजल्ट। शो हो रहा है सबको रिजल्ट? नो मैम। नो मैम। यस मैम। नो मैम। मैम 11 वोट मिले राइट नाउ को और 18 वोट मिले नेक्स्ट को, है ना? यस मैम। तो फटाफट फटाफट किसी और को इसको मैनिपुलेट करना है तो कर दो। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट में ही फिर इसको कंटिन्यू करेंगे यार अपन, ठीक है? क्योंकि अब जैसे बचे भी कितना, 10-15 मिनट ही बचा है, तो 10-15 मिनट अगर देखे तो फिर वो तो शुरू करने में लग जाएगा। तो जैसे थोड़ा सा मैं इसको फिर भी आपको बता देती हूँ, इट्स लाइक कि जैसे हेमिकॉर्डेटा है ना, पहले आपको मैं स्क्रीन शो कर देती हूँ और थोड़ा सा इसके बारे में देख भी लेते हैं, हेमिकॉर्डेटा के बारे में कि अपन इसमें क्या पढ़ेंगे। किसी को लेना है क्या? वन टू, मैम एक बार वो शो कर दो। मैम सेकंड। मैम एक बार फर्स्ट दोबारा दिखा दो प्लीज। बेटा आप एक स्क्रीनशॉट लेने में इतना कैसे टाइम लगा सकते हो, आप मुझे ये बताओ। टू थ्री, वैसे ही मैं ये जैसे अब तो चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो मैं आप लोगों को इसका ये भी पूरा जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर दूंगी। पर क्योंकि आप अगर जो बच्चे हाथों हाथ पढ़ते हैं ये, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट करवा देती हूँ, सो देट आप अगर हाथों हाथ पढ़ रहे हो ना तो आपको वेट ना करना पड़े पूरे चैप्टर खत्म होने का। मैम आपने अटेंडेंस ले ली? नहीं अभी लूंगी। चल यही था इसके अंदर, ठीक है? मैम एक बार सेकंड पेज दोबारा दिखा दो बस, सेकंड वाला। सेकंड? यस मैम। थैंक यू मैम, हो गया मैम। ठीक है, तो अब जैसे हम हैविंग कोऑर्डिनेट पे स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर ना क्या होने वाला है, एक सेकेंड रुक जाओ। अब जैसे हेमिंग कॉर्डेट है इसके अंदर यार, अब जो आपके ना कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स वाली ना चीज शुरू होने वाली है। जैसे अभी तक हम जो सारे फाइलम देख रहे थे वो किसके अंदर देख रहे थे, यहाँ पे अभी ना कैटेगरी डिवाइडेड हो जाएगी कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट्स क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, मैं आपको सिर्फ इतना पता करने के लिए दे रही हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास में पता करके आना कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस क्या होता है, और कौन से फाइलम जो प्रीवियस जो छोटे वाले जो बहुत पुअरली डेवलप्ड है वो नॉन कॉर्डेट में आते हैं या कॉर्डेट में आते हैं, ठीक है? बेटा पूरा पीडीएफ एक साथ चल रहा है श्रुति, पूरा पीडीएफ एक साथ चल रहा है, तो ये एक साथ जब आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा तभी मैं अपलोड कर पाऊंगी। इसके लिए मैंने इसलिए आपको पहले से स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ, है ना? मॉड्यूल वाला हाँ, मैं यार आप लोगों को वो ड्राइव का लिंक अपलोड कर दूंगी, उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ अपलोड है, तो मैं यहाँ पे ना एक एक
चीज वहां पर अपन को जाके अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, आप ग्रुप में जाके ऐसे ऐसे ढूंढो ढूंढो कहाँ है कहाँ है, आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक के अंदर सारी चीजें जैसे आपका केमिस्ट्री का है ना आई थिंक कि नोट्स पीडीएफ डीपीपी, जैसे बायो का भी मैंने बना दिया है तो बायो का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा. इज दैट क्लियर? यस मैम. तो ठीक है, एक जो चीज आपको पता करके आनी है वो ये कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस पता करना है,